दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपने DSLR कैमरा या वीडियो कैमरा को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग करना, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने DSLR कैमरा या वीडियो कैमरा को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक कमाल का एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने YouTube चैनल या Facebook पर लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे अपने DSLR कैमरा और मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके। साथ ही साथ इसमें आपको इंटरनेट बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि DSLR को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, DSLR कैमरा होना चाहिए, इसके अलावा आपको एक OTG एडाप्टर ले लेना है। अगर आपका मोबाइल फोन सी टाइप को सपोर्ट करता है तो सी टाइप एडाप्टर आपको ले लेना है, सी टाइप OTG एडाप्टर ले लेना है, और इसके अलावा एक HDMI केबल आपको चाहिए होगी। साथ ही साथ एक कैप्चर कार्ड भी यहां पर हमें चाहिए होगा। अब आपको अपने मोबाइल फोन पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। यह है ओमनी स्ट्रीम एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें सर्च करना है ओमनी स्ट्रीम, ओमनी स्ट्रीम लाइव वीडियो क्रिएटर। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा, ये सारी परमिशन हमें अलाउ कर देनी है। अलाउ पर क्लिक करेंगे। ओमनी स्ट्रीम ऐप में आप 4K क्वालिटी तक की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हिंदी इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके इंटरफेस को हिंदी में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर इंडिया का फ्लैग आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस हिंदी में चेंज हो जाएगा। आप इस तरह से इसे हिंदी में भी यूज कर सकते हो। इसके बाद टर्म्स ऑफ यूज पर टिक कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। कंट्री कोड यहाँ पर दे देना है, अपना फोन नंबर दे देना है, उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन डिटेल फिल कर देनी है, पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है, टर्न ऑन योर वाईफाई अपलिंक बूस्टिंग यूटिलाइज बोथ वाईफाई एंड सेलुलर। अपलिंक बूस्टिंग और सेलुलर बॉन्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, तो यहाँ पर हम अपना वाईफाई भी ऑन कर लेते हैं। ऐड वाईफाई पर क्लिक करेंगे। मैंने अपना वाईफाई भी ऑन कर दिया। यहाँ पर हमें सेलुलर बॉन्डिंग और अपलिंक बूस्टर का हम यूज कर पाएंगे, वाईफाई और अपने मोबाइल नेटवर्क को एक साथ यूज कर पाएंगे। स्किप इंट्रो पर क्लिक कर देते हैं। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपके मोबाइल फोन का बैक कैमरा ऑन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैक कैमरा यहाँ पर ऑन हो चुका है। आप चाहो कैमरे को स्विच भी कर सकते हो, फ्रंट कैमरा यूज करना हो या बैक कैमरा यूज करना हो उसे आप स्विच कर सकते हो। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आप अपने DSLR कैमरा को कनेक्ट कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आप पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड दोनों में ही इसे यूज कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो मैं अपने फोन को रोटेट कर लेता हूँ लैंडस्केप मोड में। मैंने अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लिया। अब आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में एक कैमरे का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपने कैमरे को स्विच कर सकते हो, मोबाइल का बैक कैमरा यूज करना है या इंटरनल फ्रंट कैमरा यूज करना है, या फिर ओमनी कैप्चर UVC वाला ऑप्शन यूज करना है या क्लो व्यू वाला ऑप्शन यूज करना है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप DSLR कैमरे को भी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग में यूज कर सकते हो। इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद यहां पर 30:1080p का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी को सेट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आप मैक्सिमम 4K क्वालिटी तक की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहां से जो भी क्वालिटी आपको सेट करनी हो वो आप यहां से कर सकते हो। इसके बाद यहां पर तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ये कोडेक टाइप का ऑप्शन है। कोडेक टाइप में दो कोडेक टाइप मिल जाते हैं, H.264 और H.265, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर सेंटर में यहां पर एक 5 MB/s का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप बिट रेट स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से सेट कर सकते हो। सबसे नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 2x2 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो हमारे मोबाइल फोन का डेटा और वाईफाई दोनों यहां पर यूज हो रहे हैं। इस एप्लीकेशन में हमें सेलुलर बॉन्डिंग और अपलिंक बूस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी आप अपने मोबाइल फोन के डेटा को भी और वाईफाई को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। बॉन्डिंग का फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लाइव का एक बटन दिया गया है, जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन रोटेशन को लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप लैंडस्केप में यूज कर रहे हो या पोर्ट्रेट में यूज कर रहे हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, आपकी जो पोजीशन है वो लॉक हो जाएगी। अनलॉक करना हो तो फिर से प्रेस करेंगे, अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद ग्रिड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, ये जो बटन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ग्रिड को ऑन कर सकते हो। इसके बाद फ्लैश को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, यहाँ से आप अपने मोबाइल फोन
फोन की फ्लैश को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक जूम का बटन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद WB का ऑप्शन दिया गया, इससे आप व्हाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो व्हाइट बैलेंस या फिर इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, इससे आप व्हाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो व्हाइट बैलेंस है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा लॉक का बटन दिया गया है, व्हाइट बैलेंस को लॉक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका व्हाइट बैलेंस यहाँ पर लॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइक का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरनल माइक्रोफोन यूज करना है या एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और अपने माइक्रोफोन को आप यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो। अभी मैंने इसमें कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगाया है तो उसका ऑप्शन अभी यहां दिखाई नहीं दे रहा है। माइक के बाद एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने ऑडियो लेवल इंडिकेटर को यहां पर देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। इसे हाइड करना हो तो फिर से इस बटन पर क्लिक कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन में आप एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह का कोई भी माइक जैसे बोया माइक है वो आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास ये माइक्रोफोन है, इसे मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। माइक्रोफोन का ये जो 3.5 mm का कनेक्टर है, मैं अपने मोबाइल फोन के 3.5 mm के पोर्ट पर यहां लगा देता हूं। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं तो ये माइक्रोफोन हमारा यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन यहां कनेक्ट हो चुका है, माइक के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल्ट इन माइक्रोफोन, H2W और म्यूट ऑडियो। H2W हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन यहाँ से सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर टी का बटन आ रहा है, टी के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्ट्रीम टाइटल लिख सकते हो, स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्ट्रीम टाइटल टेस्ट लिख दिया है, और उसके अलावा स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन मैंने टेस्टिंग लैब लिख दिया है। उसके बाद मैं इसे अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर 3 lines आ रही है, इन lines पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल दिखाई देगा, इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेकेंडरी का ऑप्शन आ रहा है, अबाउट का ऑप्शन आ रहा है, लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। ओमनी स्ट्रीम के इस एप्लीकेशन में आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो। ऊपर की साइड जो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, चूज ग्राफिक्स टाइप। यहाँ पर आप लोगो ऐड कर सकते हो, लोअर थर्ड ऐड कर सकते हो, स्टार्ट सून की स्क्रीन को ऐड कर सकते हो, इसके अलावा फुल साइज ओवरलेज ऐड कर सकते हो, स्पोर्ट स्कोर भी ऐड कर सकते हो। लोगो ऐड करने के लिए आपको लोगो पर क्लिक करना है। अगर आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी से कोई लोगो ऐड करना चाहते हो तो चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, और अगर आप URL के थ्रू अपलोड करना चाहते हो तो आपको अपलोड फ्रॉम URL पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लोगो का URL दे देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप लोअर थर्ड ऐड करना चाहते हो तो लोअर थर्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप मेन टाइटल और सब टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ मेन टाइटल में सुमित शर्मा लिख दिया और सब टेक्स्ट में मैंने होस्ट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इनमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हो, जैसे मैंने बीच वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर हमारा लोअर थर्ड यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद स्टार्ट सून का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट सून पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टार्ट स्ट्रीमिंग सून का जो भी टेम्पलेट आप लगाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक फुल साइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप फुल साइज ओवरलेज ऐड कर सकते हो। फुल साइज पर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी से लेना चाहते हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चूज फ्रॉम गैलरी। और अगर आप URL के थ्रू ऐड करना चाहते हो तो आपको अपलोड फ्रॉम URL पर क्लिक करके यहाँ URL दे देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा इसके अंदर आप स्कोर बोर्ड भी लगा सकते हो, स्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी स्कोर बोर्ड लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। ओमनी स्ट्रीम के इस एप्लीकेशन में आप 4K क्वालिटी तक की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विच, ओमनी प्लेयर RTMP, ओमनी प्लेयर SRT, कस्टम RTMP, SRT लिसनर, SRT कॉलर, ये ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब या ट्विच पर डायरेक्ट लाइव करना चाहते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक से लॉगिन करके, यानी जिस चैनल से आपने लॉगिन आईडी बना रखी है उस आईडी से आप डायरेक्ट लॉगिन करके भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो कस्टम RTMP के थ्रू भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ओमनी स्ट्रीम के इस एप्लीकेशन में एक बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया है, ये है ओमनी प्लेयर। यहाँ आप देख सकते हैं ओमनी प्लेयर RTMP, ओमनी प्लेयर SRT और कस्टम RTMP।
ओमिनी प्लेयर की मदद से आप मल्टीपल सोशल नेटवर्क पर पैरेलल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को चला सकते हो, शेयर कर सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सेटअप करना है ओमिनी प्लेयर RTMP, यहाँ पर पहले से ही सेट हो रखी है, डिफॉल्ट में सेट हो रखी है। उसके बाद आपको कस्टम RTMP पर क्लिक करना है। कस्टम RTMP पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने YouTube या Facebook का RTMP URL ऐड कर देना है और RTMP की यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपने YouTube चैनल की कस्टम RTMP और स्ट्रीम की यहाँ पर ऐड कर दी है। यहाँ से हमारी सेटिंग हो चुकी है, उसके बाद इसे क्रॉस कर देंगे। अब मैं अपने DSLR कैमरे को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। DSLR कैमरा को कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल को हमें अपने DSLR कैमरा पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन इस तरह से किए हैं, HDMI केबल का एक एंड हमने अपने कैमरे के HDMI पोर्ट पर लगा दिया, दूसरा एंड हमने कैप्चर कार्ड पर लगा दिया और कैप्चर कार्ड के इस वाले एंड को हमने OTG अडॉप्टर पर लगा दिया और OTG अडॉप्टर को हम यहाँ पर मोबाइल फोन के C-टाइप पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे। हमारा DSLR कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। DSLR कैमरे की फुटेज को यहाँ पर लेके आने के लिए सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में कैमरे का बटन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ओमनी कैप्चर। जैसे ही हम ओमनी कैप्चर UVC पर क्लिक करेंगे, हमारा DSLR कैमरा यहाँ पर शो होने लगेगा। अब हमारे DSLR कैमरे की फुटेज यहाँ पर आने लगी है। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए सिंपल आपको लाइव के बटन पर क्लिक कर देना है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो ओमनी स्ट्रीम लाइव प्लेयर हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओमनी स्ट्रीम लाइव प्लेयर को आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, किसी को भी अगर आपको शेयर करना हो तो यहाँ पर शेयर का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप इसे WhatsApp, Instagram, email ID, TrueCaller किसी से भी आप यहाँ पर इसे शेयर कर सकते हो। मैं इसे WhatsApp के थ्रू शेयर कर देता हूँ। WhatsApp के थ्रू मैं इसे शेयर करता हूँ। मैंने ओमनी स्ट्रीम लाइव प्लेयर के इस URL को शेयर कर दिया है WhatsApp के थ्रू, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ओमनी प्लेयर को अगर आपको दोबारा से ओपन करना हो तो यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख रहे हो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ओमनी स्ट्रीम लाइव प्लेयर फिर से यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा ओमनी स्ट्रीम के इस एप्लीकेशन में बहुत ही कमाल का फीचर है, इसके अंदर सेलुलर बॉन्डिंग और अपलिंक बूस्टर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऊपर की साइड जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोड चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके मोबाइल फोन का डेटा कितना यूज हो रहा है और आपके वाईफाई का डेटा कितना यूज हो रहा है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पर दिखाई देती रहती है। 40%, 62%, ये सब डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। सेलुलर बॉन्डिंग और अपलिंक बूस्टर का फायदा ये है, जो आपका अवेलेबल बिटरेट है उसे ये इंप्रूव कर देता है, उसकी क्वालिटी को काफी एनलार्ज कर देता है, इंप्रूव कर देता है, जिससे आपको काफी रिलायबल क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है, अच्छी क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख रहे हो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल यहाँ पर शो होती रहती है, आपके बिटरेट की स्पीड क्या है, आपकी इसकी क्वालिटी क्या है, 1080p 30fps H.264। इसके अलावा आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, कितनी देर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है यूट्यूब पर कैसी चल रही है और हमारे ओमनी स्ट्रीम प्लेयर के ऊपर ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसी चल रही है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ओमनी स्ट्रीम प्लेयर का जो लिंक मैंने WhatsApp पर शेयर किया था उसे मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं गूगल में और इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ओमनी स्ट्रीम लाइव प्लेयर हमारा यहां पर ओपन हो गया है। तो जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है वो यहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर भी ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहां से भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जहां भी शेयर करना हो वो आप कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसे शो कर सकते हो। आप अपने OBS स्टूडियो या बीमिक्स में आप इसके ब्राउजर को यहां से जो URL है इसे कॉपी करके OBS स्टूडियो में ब्राउजर सोर्स में ऐड करके भी आप यहां पर लाइव कर सकते हो। इस तरह से आपकी पैरेलल लाइव चलती रहेगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पर भी ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यहां पर यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हमारे ओमनी प्लेयर पर भी चल रही है और यूट्यूब पर भी चल रही है, यानी पैरेलल लाइव स्ट्रीमिंग आप यहां पर कर सकते हो। तो यहाँ से हमने लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ कर दिया है। इस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा यहाँ पर हम अपने DSLR कैमरा वीडियो कैमरा को कनेक्ट करके उससे भी हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 30 डेज का फ्री ट्रायल देखने को मिल जाता है। आप इसका फ्री ट्रायल यूज करके चेक कर सकते हो कि ये आपका काम का है या नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए ये एप्लीकेशन यूजफुल है तो आप इसका पेड
वर्जन ले सकते हो, प्रो वर्जन भी आप इसका ले सकते हो, कीमत भी ज़्यादा नहीं है। इसका डाउनलोड लिंक, इंस्टॉल लिंक मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर भी आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।